नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम को हम एनालिसिस कैसे करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करवाने हैं, जब हम एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं तो कितने टाइप्स का एनालिसिस होता है एल्गोरिथम का। तो बेसिकली दोस्तों, तीन टाइप का एनालिसिस होता है एल्गोरिथम का। सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस, सेकेंड होता है दोस्तों हमारा बेस्ट केस, और थर्ड होता है दोस्तों हमारा एवरेज केस। तो बेसिकली तीन टाइप के हमारे एनालिसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारे एल्गोरिथम कितनी एफिशिएंट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्स्ट केस का। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से वर्स्ट केस, इसके बेसिस पे हम लगभग सारे एल्गोरिथम को जो है एनालिसिस करते हैं, लगभग सारे एल्गोरिथम का वर्स्ट केस एनालिसिस। तो दोस्तों देखते हैं वर्स्ट केस एनालिसिस क्या होता है। तो वर्स्ट केस एनालिसिस दोस्तों ऐसा एनालिसिस जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी एल्गोरिथम को वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्स्ट केस एनालिसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, सपोज आप एग्जाम दे के आए हो, सपोज आपने आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आए हो, तो आप हमेशा बात क्या करते हो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आने के बाद, आप हमेशा ये कभी आप ये नहीं बोलोगे कि टीचर जो है अगर बहुत अच्छे से चेक करेगा मेरी कॉपी को, मुझे ज्यादा ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा तो मेरे जो है 80 मार्क्स आ जाएंगे या 90 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आप हमेशा क्या बात करते हो दोस्तों, आप हमेशा ये बात करते हो कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी टीचर कितना भी हार्ड कॉपी को चेक करे या कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मेरे 60 मार्क्स तो आ जाएंगे। मतलब हम हमेशा एल्गोरिथम को क्या करते हैं, हम हमेशा एल्गोरिथम को वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखते हैं, वर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं हमेशा, हम हमेशा क्या करते हैं वर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जो है मेरी एल्गोरिथम कैसे काम करेगी। मान चलो सपोज एल्गोरिथम मेरी जो है वो सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एल्गोरिथम बनाई सॉर्टिंग की, जो क्या कर रही है, जो डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रही है। तो दोस्तों, अगर कोई एल्गोरिथम मेरी डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रही है, तो उसके लिए वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि उससे जो डेटा मिले वो कैसा मिले, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले। तो मैं हमेशा अपनी एल्गोरिथम को चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी डेटा मिलता है, या वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है, जैसे सपोज इस तरीके से 100, 90, 80, 70, 60, सपोज मुझे जस्ट अपोजिट डेटा मिल जाता है, तो भी मेरे एल्गोरिथम जो है मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इतना टाइम लेगी उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब मुझे पता चल जाता है कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आए, मेरे एल्गोरिथम इतने से ज्यादा टाइम तो नहीं लेगी सॉल्व करने के लिए। दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट केस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेस्ट केस की। तो बेस्ट केस दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट, बेस्ट केस मीन्स कि हम हमेशा बात करेंगे क्या, एक गुड कंडीशन की। गुड कंडीशन मतलब सब कुछ जो है वो हमारे एल्गोरिथम के मुताबिक हो रहा हो, तो गुड कंडीशन की बात करें तो हमारा क्या होता है, बेस्ट केस। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, तो सॉर्टिंग में अगर मुझे डेटा सॉर्ट करना है तो मैं बोलूंगा कि मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ, सॉर्टिंग में मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, सॉर्टिंग अगर मुझे करना है तो मैं बोलूंगा कि मेरी एल्गोरिथम अच्छे से अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब मुझे डेटा जो है प्रॉपर अरेंज्ड मिले। मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, तो मैं बोलूंगा अगर मुझे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और मुझे डेटा जो है इनपुट जो मिले वो हमें ऑलरेडी कैसा मिले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिल जाए, जिससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस्ट सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती कि आपको डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और आपको इनपुट के फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिल गया, तो वो दोस्तों उसकी क्या हो जाएगी, बेस्ट कंडीशन हो जाएगी। जैसे सपोज एग्जाम्पल 100, 200, 300, 400, 500, ये आपको डेटा क्या करना था, सॉर्ट करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इससे अच्छी बेस्ट सिचुएशन कोई नहीं हो सकती दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेस्ट केस। एवरेज केस की बात करते हैं दोस्तों, तो एवरेज केस समझ में आ रहा है, दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। मतलब ना तो मेरी ना तो मेरा इनपुट जो है वो वर्स्ट केस में हो, मतलब जस्ट अपोजिट भी ना हो और रिलायबल भी, मतलब बहुत ही ईजी भी ना हो, मीडियम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज केस। मीन्स कि कुछ डेटा जो है वो सॉर्टेड हो और कुछ डेटा अनसॉर्टेड हो। जैसे सपोज सॉर्टिंग की ही बात करता हूँ मैं, तो सॉर्टिंग में मेरा कुछ डेटा जो है वो सॉर्टेड है, कुछ अनसॉर्टेड है। जैसे सपोज मैंने बोला 100, 90, 80, 70, 60, 63, 68, 75, 98, सपोज ये मेरा डेटा है दोस्तों। तो देखो इस डेटा में क्या हो रहा है, कुछ डेटा जो है वो अनसॉर्टेड है
उसके बाद पे कुछ डेटा जो है वो सॉर्टेड है। तो ये डेटा जो है मेरी, ये प्रॉब्लम जो है वो कैसी कहलाएगी, मेरी एवरेज केस प्रॉब्लम। मतलब सारा डेटा मुझे सॉर्ट नहीं करना, 1, 2, 4, 9, 5, 6 कुछ डेटा सॉर्टेड है, कुछ डेटा अनसॉर्टेड है। तो दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज केस में आ जाएगी। तो दोस्तों इन तीन केसेस के बेसिस पे हम हमेशा हमारे एल्गोरिथम को जज करते हैं कि हमारे एल्गोरिथम जो है वो कितनी एफिशिएंट है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम हमेशा जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे तो हमेशा किस केस के लिए प्रिपेयर रहते हैं, हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो हमेशा सबसे यूजफुल जो केस होता है वो हमारा वर्स्ट केस होता है। मतलब अगर हमें दो एल्गोरिथम को चेक करना है कि उनमें से कौन से एल्गोरिथम बेस्ट है, तो हमेशा उनके वर्स्ट केस को हम चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि वर्स्ट केस को चेक करें, क्योंकि बेस्ट कोई हर एल्गोरिथम अपने बेस्ट केस में तो सबसे एफिशिएंट होगी होगी। तो इसलिए हम बेस्ट केस में चेक नहीं करेंगे उसको, हमेशा उसको वर्स्ट केस में चेक करेंगे। जो एल्गोरिथम अपने वर्स्ट केस में भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको हम चूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें जब हम अलग अलग केसेस में एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं तो उनको हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो नोटेशंस की हेल्प से लिखते हैं दोस्तों। तो हमारे लेक्चर में हम नोटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारा आज का लेक्चर आपका यूजफुल है, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ नॉलेजेबल है, किसी के यूज में आ सकता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।